उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों की एक और निम्न स्तरीय हरकत आज हम लोगों ने तब देखी जब मेरठ में मुख्य सचिव और डीजीपी को हाथरस कांड तथा मेरठ के 1500 करोड़ के कंकड़खेड़ा भूमि घोटाला कांड के बारे में आजाद अधिकार सेना द्वारा एक ज्ञापन देने के लिए हम सर्किट हाउस आए। यहाँ पहले हमें बताया गया कि मुख्य सचिव आपसे मिलेंगे, आप दूसरे रूम में बैठ जाइए, और इनके एडीएम और सीओ रैंक के एसपी रैंक के अफसरों ने हमें जाके दूसरे रूम में बैठाया, और उधर से कुछ देर बाद कहा गया कि आपको मुख्य सचिव बुला रहे हैं। यहाँ आके मालूम चला कि मुख्य सचिव निकल गए हैं। मतलब यह कि जब नहीं मिलना था तब भी जबरदस्ती झूठ बोल के हमें दूसरे रूम में बुलाया, नहीं मिलना था तो साफ कह देते कि नहीं मिलना है। यह झूठी स्थिति उत्तर प्रदेश सरकार की है। इन स्थितियों में अपना कष्ट और विरोध प्रकट करने के लिए हम आजाद अधिकार सेना के साथी यहाँ मेरठ सर्किट हाउस पे कि सीढ़ियों पे यहाँ बैठे हुए हैं, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक मुख्य सचिव महोदय से, डीजीपी से, जिन्होंने झूठी बात कह के हमको बहलाने का प्रयास किया था और असत्य कथन कहा था, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो जाती है। यह वीडियो डीजीपी को, मुख्य सचिव को और उत्तर प्रदेश के सभी संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को प्रेषित है। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।